आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? जैसे दिमाग तो कहता है सुबह सुबह उठ के कसरत करो, पर दिल करता है थोड़ा और सोलो। या अभी दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ, पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। देखिए जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है, पर कैसे? हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे बस चलेगा, हमें कौन सा फिल्म स्टार या ओलंपिक खिलाड़ी बनना है। पर अगर तेल नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं आपकी पूरी जिंदगी में, रोजमर्रा के हर काम में। नुकसान समझ लिए ना, बस हो गया काम आसान। अब लगाइए दिमाग को काम पे। अगर रोज के खाने में तेल का इस्तेमाल कम करना है तो जितना तेल अभी आप डालते हैं उससे धीरे धीरे कम कीजिए, और फिर कुछ दिनों बाद और थोड़ा कम। और अगर नमक कम करना है तो भी यही, खाना पकाते समय नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम करते जाइए, और ऊपर से सैलेड दही या फल पे नमक मत छिड़किए। चाय में चीनी लेते हैं, यानी कोई नहीं लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए और कुछ दिन बाद, समझ गया ना? इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन हर पल कौन जीतता है। आज से ही खाने में चीनी नमक और तेल कम कीजिए।